आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से फैब्रिक पे हम कलर का यूज़ करके उस पर डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये मैंने 12 नंबर का फ्लैट ब्रश लिया है, आप देख सकते हैं, और ये फैब्रिक पेंट है, एक वाइट पेंट है और एक पिंक पेंट है, जो जिन दोनों का यूज़ करके मैं आज आपको एक फ्लावर बनाना सिखाऊंगी। तो हम एक ही ब्रश पे दोनों कलर को अप्लाई करेंगे, आधे पे हम पिंक कलर लगाएंगे और आधे पे हम वाइट कलर लगाएंगे, और इस तरह से हम उसको धीरे धीरे घुमाते हुए एक फ्लावर की पेटल ड्रॉ करेंगे। इसमें आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको दो कलर यूज़ करने हैं तो एक वाइट और उसके साथ कोई डार्क कलर, या फिर कोई येलो कलर और उसके साथ कोई डार्क कलर यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि एक कलर डार्क होगा और एक कलर लाइट होगा, वो आपकी चॉइस होगी कि आप डार्क वाले को अंदर की तरफ रखना चाहते हैं या लाइट वाले को अंदर की तरफ रखना चाहते हैं। आउटलाइन करें तो आप उसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे डार्क कलर लेके फ्लावर की कुछ आउटलाइनिंग्स और कुछ डिटेल्स क्रिएट की हैं जो कि बहुत प्यारी लग रही हैं। उसी सेम मेथड से हम लोग लीफ ड्रॉ करेंगे। लीफ में भी मैंने एक वाइट कलर लिया है और एक ग्रीन कलर लिया है, और उन दोनों का सेम जिस तरह से हमने फ्लावर ड्रॉ किया था उसी सेम तरीके से हमने लीफ को ड्रॉ किया। डिटेलिंग की थी उसी तरह से हम लीफ की भी डिटेलिंग कर सकते हैं डार्क कलर का यूज करके।